ये जो मैं बार बार बोल रहा था स्थापित हो चुका है, और जब ये स्थापित हो चुका है तो फिर से मेरा मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक तौर पे मोहन यादव जी से अनुरोध है, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। आप वेंडेटा से, बदले की भावना से कांग्रेस जनों पर कार्रवाई मत करो, उनको परेशान मत करो। जगह जगह आपने अभी अभियान चलाया, प्रशासन को एक काम दिया कि कांग्रेस जनों को पर अत्याचार अनाचार करो, उनको दबाओ धमकाओ और बीजेपी ज्वाइन करा। आपका फोकस वहां रहा, इसलिए ये अपराधी बेखौफ हो गए। आपने राजनीतिक वेंडेटा के कारण पूरे प्रशासन को, सरकार को झोंक दिया और केवल कांग्रेसियों पर दबाव करो और बीजेपी ज्वाइन कराओ। उसमें भूल कर गए आप कि आपने प्रदेश के अपराधियों को बेखौफ छोड़ दिया, और उसी का कारण है कि ये जंगल राज हो गया 3 महीने में। तो मोहन भैया, कांग्रेसियों से, बदले की भावना से जो आप काम करने के लिए आपको पूरी सरकार और आपका पूरा समय जाता है, अब थोड़े दिन इसको बंद करो और कृपया करके अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम निभाना चाहते हैं, हमें भी साथ लो और कानून व्यवस्था सुधारो। मध्य प्रदेश जंगल राज बन रहा है, आखिर हमारे भावी पीढ़ी का नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। हम उन राज्यों की इतिहास देखा है हमने जहाँ जंगल राज था, वहाँ परिवारजनों को देखा है, वहाँ की परिस्थितियों को देखा है। प्रदेश शांति का टापू है। ये सकारात्मक और धार्मिक प्राचीन परंपराएं, पॉजिटिविटी के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, इसलिए आप गंभीरता से विचार करके कानून व्यवस्था सुधारो। धन्यवाद। पहले आपने आज कहा